आपने मेरा पिंक कलर का टॉप देखा है क्या? किसी ने भी मेरा पिंक कलर का टॉप देखा हो तो प्लीज बता दो ना। मम्मी मेरा पिंक टॉप गया तो गया कहाँ? चलो कोई नहीं, ब्लैक ही के साथ ही करूंगी। आपने कभी मुझे अपनी चीज दी है जो मैं आपको अपनी चीज दूं? मैं नहीं दे रही है।
दे दी पंद्रह रुपये, ठीक है। पाँच को और दे दी, पति मैं एक मिनट, इतनी धूप में इतनी दूर से मैं वापस आई बिना चप्पल के। बिना चप्पल के क्यों? क्योंकि चप्पल मिल गई थी। वो सब छोड़ो, उसका क्या? ले तू अपनी मेहनत की पैसे ले, पर अब देख एक मिनट, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने प्याज काटी, टमाटर काटे, इतने मसाले डाले, उसकी मेहनत था क्या? लेकिन यार इतनी मेहनत कहाँ लगती, फिर भी तू अपनी मेहनत के पैसे ले और मैगी दे। मुझे तो बड़ा बोलती थी कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, खुद को ही देख लो किस लड़के के साथ घूम रही हूँ। बॉयफ्रेंड नहीं बनाना था तो मेरे एक्स को ही, तभी मैं सोचूं कि उसने मुझे चीट क्यों किया। और वो लड़की कौन थी? वो लड़की आप थी दीदी, आप। क्या ये तेरा एक्स बॉयफ्रेंड है? हाँ दीदी, यही मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पटक दी जल्दी पास। मुझे भी नहीं पता था कि आपके साथ जानबूझ के नहीं हुआ है ये सब। चलो यार घर चलते हैं। वैसे तुमको मैं एक बात कहूँ, मुझे भी लड़कों के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। दी आप तो मुझे ये फालतू का ज्ञान मत ही दो, क्योंकि मैं आपका भी उसी के साथ कटा जिससे मेरा साथ कटा है, ठीक है। पर अब ये सब छोड़ दी, एक काम करते हैं, जब अगली बार बनाएंगे ना बॉयफ्रेंड, एक दूसरे को एक दूसरे की फोटो दिखा देंगे, ये ठीक है ना? आपका भी कटेगा ना मेरा भी कटेगा, ठीक है। आप सभी को कौन सा पार्ट वीडियो का सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।